अरे राम मंदिर निर्माण को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐसी जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है जिसे 10 मिनट पहले ही 2 करोड़ रुपए में बेचा गया था। हाँ, ये सच है कि ट्रस्ट ने जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच है कि जमीन की एग्रीमेंट टू सेल 2011 में ही 2 करोड़ में हुई थी। फिर यह है 3 साल में डील रिन्यू होती रही और इसलिए यह आरोप झूठा है कि एक ही दिन में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गई। एक और सच यह है कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या की जमीन की कीमतों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसलिए 2011 में जिस जमीन का एग्रीमेंट टू सेल 2 करोड़ में हुआ उसकी कीमत 18.5 करोड़ हो गई। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। राम मंदिर निर्माण पर ये आरोपों का आधा सच है और मंदिर निर्माण को बदनाम करने के लिए देश से आधा सच छिपा लिया गया। आरोप लगाया गया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। अयोध्या के सदर बाजार तहसील में 12,080 वर्ग मीटर की जमीन की 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई और 10 मिनट बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वही जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली। ये बैनामा मतलब रजिस्ट्री और अग्रीमेंट टू सेल 18 मार्च 2021 को एक ही दिन में हुआ। ये एक बैनामा होता है 18 मार्च 2021 को। ये बैनामा करते हैं हरीश पाठक और कुसुम पाठक जी, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पे 2 करोड़ रुपए में इसका बैनामा होता है, रजिस्ट्री होती है। और जब ये रजिस्ट्री होती है तो इसमें जो लोग गवाह हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि एक इसमें गवाह है ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो कि फैजाबाद के भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर हैं, और इसमें एक गवाह हैं अनिल कुमार मिश्रा जी, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य हैं। ये अनिल कुमार मिश्रा जी हैं। तो अनिल कुमार मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, दोनों की जानकारी में 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे। और यही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी जमीन को ट्रस्ट के नाम पे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे 18.5 करोड़ में बेच देते हैं 7:15 पे। तो जो पहला एग्रीमेंट टू सेल हुआ था वो एग्रीमेंट टू सेल 2011 में हुआ था। मैं ये कागज आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये कागज है, पहला एग्रीमेंट है एग्जैक्ट 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। नीचे देख सकता हूं कुसुम जी, आप भी देख सकते हैं कुसुम और हरीश आप दोनों को देख सकते हैं। और ऊपर जिनके साथ ही एग्रीमेंट हुआ है वो है इरफान अंसारी। दरअसल जो अभी हम सुल्तान अंसारी कह रहे हैं, सुल्तान अंसारी के पिताजी हैं जिनका नाम है इरफान अंसारी। तो ये विषय उस जमाने से चल रहा है जब सुल्तान अंसारी के पिताजी एक्टिव थे। ट्रस्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि की जिस जमीन को लेकर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं उसका 2011 में ही 2 करोड़ में बेचने को लेकर समझौता हुआ था। जमीन विक्रेता थी कुसुम पाठक और जमीन खरीदार थे सुल्तान अंसारी। 2011 से 2019 तक 3 बार जमीन को 2 करोड़ में बेचने को लेकर समझौते को रिन्यू किया गया। सितंबर 2019 को जमीन की मालिक कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच तीसरी बार समझौते को आगे बढ़ाया गया, 2 करोड़ में बेचने का समझौता हुआ। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अयोध्या में जमीन की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी ने 2011 से चले आ रहे अग्रीमेंट के मुताबिक कुसुम पाठक से 2 करोड़ में वो जमीन खरीद ली और फिर उसी जमीन को सुल्तान अंसारी ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में दे दी।
पूरा आरोप राजनीति से प्रेरित है, असत्य है, क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाने वालों ने देश को ये सच नहीं बताया कि 2011 में ही इस जमीन को 2 करोड़ में बेचने को लेकर समझौता हो चुका था और खरीदार ने 10 साल बाद 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची। विश्व हिंदू परिषद अब उन लोगों पर मानहानि का केस दायर करने की तैयारी कर रही है जिन्होंने जमीन घोटाले का आरोप लगाकर मंदिर निर्माण को बदनाम करने की साजिश की। कुछ लोगों का स्वभाव है कि झूठे आरोप लगाओ, मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जब बढ़े तो माफी मांग लो। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे। ये भी साफ है कि आरोप लगाने वालों ने ना तो कुसुम पाठक से बात की, ना ही जमीन खरीद का ट्रस्ट को बेचने वाले सुल्तान अंसारी से। 2011 के समझौते को भी छिपाया गया ताकि राम मंदिर निर्माण को बदनाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी जिस जमीन को लेकर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं उसका 2011 में ही 2 करोड़ में एग्रीमेंट हो चुका था और एग्रीमेंट करने वाले सुल्तान अंसारी ने 18 मार्च 2021 को एग्रीमेंट के मुताबिक जमीन खरीदी और 18.5 करोड़ में वो जमीन राम मंदिर के लिए बेच दी। यह आधा सच है कि जमीन की खरीद बिक्री एक ही दिन में हुई, लेकिन पूरा सच यह है कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने 2011 से वो जमीन 2 करोड़ में खरीदने का समझौता किया था और 10 साल बाद उस जमीन को 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अयोध्या में जमीन की कीमतें आसमान पर आखिर क्यों हैं? पहला कारण, अयोध्या में दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम मूर्ति यानी कि 251 मीटर की यह मूर्ति लगने जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह कि अयोध्या में दुनिया के सबसे भव्य मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये कि अयोध्या में क्रूज चलाने की तैयारी हो रही है, जलमार्ग का भी काम शुरू हो गया है। एक कारण और ये भी है कि अयोध्या में 10 श्रीराम द्वार बनाए जाएंगे। अयोध्या में अप्रैल तक एयरपोर्ट निर्माण की भी तैयारी है। एक और बड़ा कारण ये कि अयोध्या में जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तैयारी हो जाएगी, फॉरेनर्स भी आ सकते हैं सीधा अयोध्या। अयोध्या में 100 करोड़ की लागत से मंदिर जैसा रेलवे स्टेशन भी तैयार हो रहा है। दिसंबर 2019 से अयोध्या में 5-स्टार होटल्स निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़े सभी कुंड का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का भी गठन किया गया है। खबरें लगातार जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।